हमारे करीब करीब अनेक शहर ऐसे हैं जो किसी न किसी नदी के तट पे हैं, या तो शहर में से नदी गुजरती है, लेकिन काल क्रम में वो नदी एक प्रकार से तबाह हो गई है, कभी कभी तो गंदी नाली बन गई है। या तो बारिश में पानी आता होगा तब वो नदी दिखती होगी, फिर नदी नजर नहीं आती। हमें इस नदी के प्रति एक बहुत संवेदनशील अप्रोच अपनाना चाहिए। आज जब पूरी दुनिया पानी के संकट की चर्चा करती है, आज जब सारी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की चर्चा करती है, और हम हमारे नगर की नदी की परवाह ही न करें, उस नदी को संभालना, उस नदी को संवारना, उस नदी के महात्म्य को समझना समझाना ये अगर न करें तो फिर हम कैसे गौरव कर सकते हैं। तीर्थ माना जाता है यार, बाकी गंदगी में कौन पानी में स्नान करेगा यार, गंदा पानी है। ताकि एकदम शुद्ध पानी चाहिए ताकि नहा सके और अपना मुक्ति और मोक्ष का मार्ग है ये। क्या है नवना सिद्ध चौरासी है विश्वामंत्री महारुषि है राजा, ये महागुरु है अपने, ये तपोवन है और ये गंदगी हमको पोसाती नहीं है। आज जोर के विनती करता हूँ ताकि अपने रोगों से मुक्त हो जावे और कई खुशियां घर में आ जावे। From the mountains and the hillocks, and terrains to the trenches, it flows. This is a journey of a sacred stream, from east of Mahi to the west of Narmada. A journey from purity to impurity, from rumbling, rushing waters to concretized and epitomized progression. This is a tragic tale of the river Vishwamitri. In this documentary, we will talk about the glorious past of Vishwamitri, its geography, biodiversity, wetlands, and the eagerness of its development with untreated water. This is the heart-hitting, fact-based narration of the river Vishwamitri. So let's get started. वह विश्वामित्री अभियान एक मिशन है और ये मिशन सिर्फ वडोदरा या सेंट्रल गुजरात के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पूरे देश के लिए एक मॉडल जैसा मिशन है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य एक तो है कि फिर से पानी का जो भी वाटर बॉडीज है, सरफेस वाटर बॉडीज जैसे लेक तालाब है, कांस है, तो इनका कनेक्शन हो नदी के साथ। बारिश का जो भी पानी उसको फ्लड के हिसाब से ना देखें, लेकिन उसको रिजुविनेशन के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़मीन में उतारने के लिए यूज़ हो, यानी वाटर हार्वेस्टिंग की बात है। नदी के दोनों किनारों में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, ये नदी जहाँ से भी बहती है पंचमहाल से लेकर बड़ौदा और फिर बाद में भरूच, तो दोनों किनारों पर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, सो दैट जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स या जो भी लीचिएट्स उसके होते हैं, वॉश आउट जो होते हैं, वो इस पानी में ना मिले। और इसी पानी को शुद्ध रखने के लिए, नदी के पानी को, इंडस्ट्रियल जोन भी जहाँ पे भी कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री है तो उनके जो वेस्ट है या सीवेज है, जहाँ पे बस्ती आती है, मानव बसात है, तो वो मानवों का भी कचरा सब, तो इसको यहाँ रिलीज ना करें, तो एक ये बात वाटर क्वालिटी की हो जाएगी। वही नदी हमेशा बहती रहेगी या शुद्ध पानी से रहेगी जिसके किनारों पर वेजिटेशन होगा, इसीलिए कोई कॉन्क्रीटाइजेशन नहीं होना चाहिए बैंक का कभी भी। तो किसी भी वाटर बॉडी का कॉन्क्रीटाइजेशन होता है, इसका मतलब हम लोग पानी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका वाटर सिस्टम डैमेज कर रहे हैं।
Vishwamitra River is a seasonal river of mythological and historical significance. It rises from the hills of Pavagadh and flows west through the city of Vadodara and joins with the Dhadar and empties into the Gulf of Khambhat. The river Vishwamitri has a unique ecological importance in Gujarat as it inhabits a unique crocodile species called Magar. This species of crocodile has been listed by IUCN, International Union for Conservation of Nature, as one of the threatened species under Red List. In spite of hefty population and large human disturbance, the presence of the crocodiles in large number indicates the unique ecological significance of this river. मगर का कैसा होता है, मगर जो है वो टेरिटरी एनिमल है, जैसे कुत्ते के इलाके होते हैं इसी तरह के मगर के भी इलाके हैं। तो जैसे ये इलाके में तीन मगर है तो वो तीन ही रहेंगे, तो वो इधर उधर कहीं जाएंगे नहीं, तो हमने इनको नाम दे रखे हैं। तो इनको नाम देने से क्या होता है कि हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ जैसे जैसे ये इलाके के अंदर एक बड़ा मगर है, उसका नाम हमने गब्बर पाड़ा। पहले यहाँ पे तीन मगर हुआ करते थे जो मर गए लगातार 3 महीनों में, तो उसमें जो लास्ट मगर हमारा एक मरा था उसका नाम हमने मंगल पांडे रखा था, क्योंकि उसके मरने के बाद एक मगर प्रेमियों में एक क्रांति सी आई, हमने उसकी श्रद्धांजलि भी यहाँ पर रखी थी। और उसके बाद ये टेरिटरी खाली हो गई थी, अभी फिर से यहाँ पे तीन नए क्रोकोडाइल आए हैं जिसमें एक कम से कम 10 फुट का है, उसका नाम हमने गब्बर रखा है, और दूसरा एक 5.5 फुट का है, उसका नाम हमने कालिया रखा है, और एक छोटा सा आया है 2.5-3 फुट का मगर है, उसका नाम हमने सांभा रखा है। इस तरह से हमने इस क्रोकोडाइल के नाम भी रखे हुए हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, डॉक्टर हर्पेटोलॉजिस्ट है अपने डॉक्टर देवकर, उनसे भी मैं आपको मिलाता हूँ, वो मुझसे अच्छी तरह से आपको क्रोकोडाइल और रिवर के बारे में समझा पाएंगे। जो बड़ौदा के साइज का सिटी है, इतने बड़े सिटी में कोई रिवर बहती हो और उसमें इतने सारे क्रोकोडाइल्स का एक हेल्दी पॉपुलेशन, ब्रीडिंग पॉपुलेशन है, ऐसा दूसरा कहीं एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता पूरे वर्ल्ड में। आप कहीं भी जाइए ऑल ओवर इंडिया, किसी भी रिवर में, एनीवेयर इन इंडिया, मे इट बी द कावेरी रिवर वेर यू टेक ए बोट राइड, और इट मे इट बी द चंबल रिवर फॉर वॉचिंग द घरियाल। यहाँ पे आप सिर्फ भीमनाथ ब्रिज पे खड़े होइए और आपको बढ़िया क्रोकोडाइल्स दिखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक नहीं, 2, 3, 4, 5 आपका जैसा लक है उतने आपको दिख सकते हैं। द क्वेश्चन इज के ये विश्वामित्री रिवराइन इकोसिस्टम है, ये पानी इतना गंदा है, रिवर इतनी डिग्रेडेड है, तो भी ये क्रोकोडाइल यहाँ कैसे रह पाता है? नाउ एज अ जुआलॉजिस्ट, कि विश्वामित्री में जो क्रोकोडाइल है वो है क्रोकोडिलस पैलुस्ट्रिस, मतलब जिसे मगर क्रोकोडाइल कहते हैं, और ये स्पीशीज हम पृथ्वी पर आए, मतलब ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए, उसके पहले से ये प्लैनेट को इनहैबिट कर रहे हैं, यहाँ अर्थ पे रहने वाली स्पीशीज है। एंड द सेकेंड थिंग इज के ये क्रोकोडाइल्स जो हैं, इनका जो एक बॉडी डिज़ाइन है वो डायनासोर के पीरियड से ये लोग हैं, दे रहा है इनहैबिटिंग हियर, रह रहे हैं, तब से उनका जो बॉडी डिज़ाइन है वो अनचेंज्ड है, उसमें खास कोई चेंजेस आए नहीं हैं, वो जैसा है एग्जैक्टली अनचेंज्ड है। इसका मतलब क्या है कि ये एक सक्सेसफुल बॉडी डिज़ाइन है। टाइगर, लायन, लेपर्ड, एलिफेंट, राइनोसेरोस के कैटेगरी में इसको प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब कि क्रोकोडाइल को डिस्टर्ब करना मतलब टाइगर को उसके हैबिटेट में डिस्टर्ब करने जितना बड़ा गुनाह है। तो अब कहने की बात यह है कि सिटी में अगर इतना बड़ा एक रिवराइन इकोसिस्टम जीवित है तो उसे हेल्दी रखने की जिम्मेदारी हम सभी बरोडियंस की है, न कि उसमें उसके एम्बैंकमेंट्स में रबल डंप करके, कंस्ट्रक्शन वेस्ट डंप करके आप नदी को छोटा करें। विश्वामित्री रिवर का जो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन है उसे रिस्टोर करने की ज़रूरत है। हेलो सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया।
Dr. Devkar. How are you? Nice to meet you here at the Vishwa Mitri Bank. Same here. I have brought my students also with me. Great, that is really nice. Because you are the torch bearers for future. Very nice. So, क्या नया है सर अभी इसमें? इसमें जो हमने आज अखबार में पढ़ा वही NCRP जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन NRCP जो कर रहे हैं, लेकिन NRCP का जो फोकस है वो इस ढंग के लेवल पे नहीं आता है। वो लोग इरीगेशन और वो सब माने फ्लड की बातें ज़्यादा करते हैं। एक्चुअली सर ऐसा है कि जब भी विश्वामित्री की बात मैं करता हूँ तो विश्वामित्री इज़ पहली बात तो यस इट इज़ अ सीजनल रिवर, ठीक है, वो एक मॉनसून सीजन में इट स्वेल्स अप भर जाती है, उसके बाद में पानी रिसीड हो जाता है, पर ये जो पानी भरता है और पानी रिसीड होता है इसकी वो उसकी लाइफ लाइन है। बिल्कुल एंड विश्वामित्री दिस इज नॉट अ हिमालयन रिवर, यस दिस इज नॉट, दिस इज अ रेन फेड रिवर, करेक्ट मेनली, और उसकी जो डायनेमिक्स है ऊपर आना नीचे होना वो बहुत सारे इकोलॉजिकल फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है। सर अगर आप मुझे पूछेंगे कि विश्वामित्री इज़ अ डिग्रेडेड इकोसिस्टम और अ हेल्दी इकोसिस्टम, मैं बोलूँगा कि डिग्रेडेड है येट अभी इसमें जान है, मरा नहीं है पूरी, वही तो इसलिए मैं रिस्टोरेशन की बात करता हूँ। और पूरा कब मरेगा? दोनों सीमेंट के आप एम्बैंकमेंट्स कर दो, दैट विल बी अ डेड इकोसिस्टम, दैट इज व्हाट वी वर एबल टू स्टॉप विद पीपल लाइक हिम एंड अदर पीपल हु जॉइंड अस। एज विश्वामित्री एंटर्स द सिटी द कलर ऑफ इट्स वाटर्स ड्रास्टिकली चेंजेस। Massive drainage of the city's sewage and effluents from nearby industries are emptied daily into the water body. Vishwamitri एक नदी जो है जो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है और उसके साथ साथ जो बातें हैं वो कई जगह एक खास पुस्तक है विश्वामित्री महात्मा करके उसमें लिखा गया है। लेकिन विश्वामित्री की बात पे हम आए उसके पहले हमें थोड़ा नदियों के बारे में और अपने देश की नदियों के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ। मैं एक दो ही एग्जांपल दूंगा। इंदौर जैसा शहर है, भले 5 बड़े मेट्रो में नहीं आता है लेकिन वो बड़ा शहर है, तो उसमें खान नदी है, तो खान नदी को रिवाइव किया था बीच में, लेकिन अभी उसके पूरी नदी, उसकी नदी माने वो बहाव वाला विस्तार नहीं जो हम देखते हैं, नदी माने उसका पूरा स्राव विस्तार, वो पूरे नदी का क्या कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी बन रहा है, नंबर 1 आ रहा है क्लीनिनेस में, लेकिन नदी और नाले उसके जो ट्रिब्यूटरीज उसके बारे में क्या हो रहा है। वैसे ही लखनऊ में गोमती नदी है, कुछ कोशिशें वहाँ भी चल रही है लेकिन क्या क्या हो रहा है नहीं पता है। तो हम बात ये कर रहे थे कि बड़ौदा जैसा शहर है जो महाराजा सयाजीराव के ज़माने से पहले का शहर है, उससे भी पहले अपना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पुराना हेरिटेज कौन सा है? हमारी विश्वामित्री नदी। वो हम नहीं थे, कोई भी नहीं था, तब से बह रही है। और विश्वामित्री नदी का जो हेरिटेज है वो सिर्फ नदी का बहाव नहीं, उसके आसपास की जुड़ी हुई जगहें और उसके बाद श्रद्धा से बने हुए हैं कई सारे मंदिर वगैरह जो हैं वो सब भी उस नदी के साथ जुड़े हुए हैं। बड़ौदा की पहचान जो है उसकी टेरेन है, उसका जो भूपृष्ठ विभाग है वो है, और वो जो पूरा जो विभाग है तो आप देखोगे कि ये मैं बात करना चाहता हूँ कि बड़ौदा की नदी माने वो पानी पानी जो दिखता है वो वाला हिस्सा नहीं है, बड़ौदा ये है, ये जो हिस्सा है वो बड़ौदा का एरिया है, उसमें हम ये नदी का हिस्सा है ये वाला, उसमें हम कहीं यहाँ पर खड़े हुए मध्य में खड़े हुए हैं, यहाँ पर ये जो मध्य में खड़े हुए हैं हम वहाँ, उसके आसपास आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे नीले रंग के आपको रेखाएं दिखती है, ये सब रेखाएं मिलके विश्वामित्री बनती है। क्योंकि हम सोचते हैं कि विश्वामित्री को यहाँ क्लीन अप कर देंगे तो चलेगा, लेकिन विश्वामित्री पावागढ़ पर्वत से शुरू होती है, वहाँ से कई सारी धाराएँ फूटती है और वो धाराएँ जब हम मिलके आती है तो ये वहाँ से ये विश्वामित्री का शुरुआत है। ये जो नदी है सूर्या नदी, ये सूर्या नदी जो है वो संगम होता है विश्वामित्री के साथ उसका, ये सूर्या नदी पे ही सयाजी राव ने अपना पहला वाटर सप्लाई का प्लांट आजवा सरोवर यहाँ किया था, और ये भी ये जो पूरा पावागढ़ पर्वत का जो विस्तार है वहाँ से बारिश की वजह से और ढलान की वजह से, जमीन की ढलान की वजह से ये सब छोटी छोटी नदियाँ शुरू होती है, छोटे छोटे स्ट्रीम शुरू होते हैं,
इसमें बांध बना के ये आजवा रिजर्वर बनाया ताकि ईस्ट साइड ऑफ बड़ौदा पूर्व दिशा में उसका पानी का अभी भी सप्लाई मिल रहा है। यहाँ पश्चिम दिशा से भूखी नाला मिलता है और यहाँ पूर्व दिशा से बहुचराजी नाला मिलता है। ये सब स्त्राव विस्तार है। यहाँ जो कुछ भी लैंड यूज बदलेगा, जो कुछ भी जमीन की रचनाएँ होगी, उसका सीधा असर, इनडायरेक्ट असर इसके पानी के क्वांटिटी और क्वालिटी पे, उसकी उसके प्रमाण में और उसकी गुणवत्ता में उसका असर रहता है। ये जमवा नदी यहाँ मिलती है और फिर आगे बढ़ती है पिंगलवाड़ा के पास, पीछे से पूर्व दिशा में से आती हुई देव ढाढ़र नदी यहाँ से गुजर के यहाँ मिलती है और उसके बाद समुद्र में जाके खम्बात के अखात में जाके मिलती है। तो ये जो चित्र है, ये हम देखते हैं, वो जो अभी नक्शे में दिख रहा है उससे ज़्यादा आप ज़मीन पे जाके जरा देखोगे तो पता चलेगा कि ऊपर के विस्तार में अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा है। हालोल के आसपास वगैरह बिगड़ी हुई चीज़ों को वापस हेल्दी करना है, वापस स्वास्थ्य में लाना है, तो उसको इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का साइंस कहते हैं। और हमें ये इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए अभी ये दायका है, हमें बड़ौदा के नेताओं, बड़ौदा के नागरिक को ये मौका है, जैसे कि पर्यावरण का जो बीमारियां हैं, जो खराबी की है, उसको सुधार के पीछे माने रिपेयर सिर्फ नहीं लेकिन रिस्टोर का मतलब है वापस उस कुछ कंडीशन जो है उसमें वापस लाने की हम सब कोशिश कर सकते हैं, तो कुछ अच्छा परिणाम हम एक मॉडल बना के दे सकते हैं। ये मॉडल ऐसा होगा कि बाकी की जो मैंने नदियों की बात की शुरू में, भारत की छोटी नदियाँ, उसको हम एक नमूना दिखा सके, एक एग्जाम्पलरी काम दिखा सके कि हम कर सकते हैं। Since Vadodara is the third largest city of Gujarat and also one among the oldest cities of India, we thought a short analysis of the city should be there in this documentary. Vadodara is the third most populated city in Gujarat. As per provisional reports of Census India, population of Vadodara in 2011 was 18,17,191. अहमदाबाद का जो साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और उसी मॉडल को विश्वामित्री यानी बड़ौदा की विश्वामित्री नदी पे अप्लाई करने की बात हुई, तो वो नुकसान ही पहुंचाता नदी को, क्योंकि दोनों नदी का जो मूल रूप है या दोनों नदियों का अस्तित्व है वो बिल्कुल अलग है। विश्वामित्री नदी का रायपेरन कॉरिडोर और उसकी जो जियोमॉर्फोलॉजिकल जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ही अलग है साबरमती से। यहाँ पे हमारे पास रिच बायोडाइवर्सिटी है, हमारे पास बहुत सारे पेड़ पौधे, अन्य प्राणियाँ हैं, पक्षियाँ हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो कि इतनी गहराई में साबरमती में नहीं थी। वो अगर मॉडल बड़ौदा में आता तो बड़ौदा की हालत भी वैसी ही हो जाती। बड़ौदा में जो अभी भी थोड़ी ग्रीनरी है बची है, विश्वामित्री का पूरा कॉरिडोर है जो, वो भी चली जाती, पूरा कॉन्क्रीट जंगल हो जाता, अपने जो माइक्रो क्लाइमेट टेम्परेचर्स है वो सारे बढ़ जाते हैं। तो हमें नदी को किस तरह देखना चाहिए, वो जो शासन है, जो नागरिक है, उसको सोच समझ के देखना चाहिए। नदी को मात्र एक दो किनारे के बीच में बहता हुआ पानी नहीं देखना चाहिए, वो पूरी एक सिस्टम है जिसमें उसके जो मियंडर्स हैं, सारे जो तालाब है बड़ौदा में, सारे वेटलैंड्स हैं, वो सारे जुड़े हुए हैं। 13 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द रिवर डिवाइड्स द वडोदरा सिटी इनटू टू पार्ट्स लाइक नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट। इन विसिनिटी ऑफ वडोदरा द रिवर विश्वामित्री रिसीव्स अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ड्रेन्स, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज एंड डिस्चार्जेस फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। ऑल दिस इनपुट्स deteriorate the water quality to a large extent. Adding further into it, the farmers in the downstream use its water for irrigation. विश्वामित्री रिवर रिजुवेनेशन, ये है तो दो तीन शब्द, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कार्य करना पड़ेगा। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट हैज टू बी डन। ये इट इज लाइक आप कोई आपका एक भी चीज आप डिप्राइव कर लो आपके खुराक में से या आपके बॉडी में से, तो आपको वो स्ट्रेंथ या वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो एक नॉर्मल
एंटिटी में मिलता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि एट प्रेजेंट ये रिवर हैंडीकैप्ड है। बहुत सारी वहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्रोकोडाइल्स हैं, दूसरे बर्ड स्पीशीज़ हैं, उसकी हैबिटेट है, और ये सब इकोसिस्टम है। ये जो सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका ही मैनेजमेंट हमने डिस्टर्ब कर दिया है, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये रिवर हैंडीकैप्ड हो गई है। ये सिटी मॉडल, विश्वामित्री रिवर मॉडल सक्सेसफुल करने के लिए हम लोगों को जो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं उससे नहीं चलेगा, सबको साथ आना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। गवर्नेंस, गवर्नमेंट एंड पब्लिक साथ में जब सब मिलके करेंगे तभी वो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट इन द ट्रू सेंस होगा, और रिवर भी अपनी तरह से धीरे धीरे रिजुवेनेट होने लगेगी। As the human demand for water is steeply increasing in the city of Vadodara, leading to over-exploitation of groundwater and discharge of untreated and partially treated wastewater from domestic and industrial sources are leading to serious ecological impacts on the river Vishwamitri. On the other hand, these urban industries and hotels are also contributing to large-scale deterioration of the water quality in the area, usually dispour their wastewater in existing surface or groundwater. As we know, Vadodara city is growing very fast. The waste generation is steeply increasing. A large part of it is getting into the river through various large water drainages. A river is a great asset for our own sake, and that for our future generations. To revive this mystic stream, we will have to protect and enhance the watershed area and restore its damaged abiotic, that is mainly landforms, soils and water flow patterns, and biotic, that is mainly vegetation components. Developing the right kind of bioshield of trees, shrubs and other vegetation become critical. Namaskar, main Viral Chaudhary hu. और हम लोग देवस्थान सफाई अभियान अंतर्गत हर देवस्थान की सफाई अभियान का काम हम हर रविवार सुबह 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक करते हैं, और उसी में हमको ये विश्वामित्री घाट का भी परिचय करवाया संजय जी ने, और पिछले 2 रविवार से हम विश्वामित्री के घाटों की सफाई कर रहे हैं, और आज उसी के चलते ये जो हम जहाँ पर बैठे हैं राम घाट, उसी घाट की आज हमने सफाई की। जो घाट दिखाई भी नहीं दे रहा था तो अभी वो अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय में इसको और अच्छा करके इनके ये जो विश्वामित्री की सफाई अभियान की जो टीम है उसके साथ जुड़ के हम लोग बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। River Vishwamitri with associated tributaries, wetlands and ponds provide a much needed green and blue respite. In the past, it was a beautiful flowing river with clean water supporting a large variety of flora and fauna. Vadodara has always had a very sacred relationship with the river, which is apparent from the number of sacred places, temples and ghats along the banks. ये नदी को कुछ हुआ ही नहीं है समझो, इसको कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ इंसान रहता है वहीं पे ये दूषित हुई है। तो विश्वामित्री को बचाने के लिए हम सबको जुड़ना है, बड़ौदा के सब लोगों को जुड़ना है, और कि इसकी प्रदूषणता को मत देखो, इसकी पवित्रता को देखो। जब हमने वह विश्वामित्री अभियान चालू किया तो उसमें हर प्रकार के लोग जुड़े, ये पूरे सबको साथ लेने वाली पब्लिक मूवमेंट है। तो ये जब होगा तो मैं एक जो विज़न की बात की तो हमारा विज़न है ब्यूटीफुल फ्लोइंग विश्वामित्री रिवर एंड रिवर बेसिन विथ अबाउट 1 crore ट्रीज एंड श्रब्स ऑन बोथ द साइड्स वेरी साइंटिफिकली डिजाइन एंड द राइट काइंड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट यूटिलाइजेशन फैसिलिटी। और ये हमारा ड्रीम है, और बोलते हैं ना कि इफ यू कैन ड्रीम यू कैन डू इट। उसमें एक और अच्छी बात आपके ध्यान पे आ जाए, ये हमारे मॉडल की बात, बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट नमामि गंगे मोर देन 40,000 करोड़ रुपीज़, इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है
नमामि गंगे का, उसमें भी उन्होंने ये सराहा। तो ये हम सब के लिए और खास करके सेंट्रल गुजरात और वडोदरा के लिए ये बहुत प्राउड बात है कि ये जो मॉडल हमने बताया है ये इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी उसमें भी शामिल कर दिया है। और हम आशा करते हैं सब मिलके इस नदी को सुंदर, बेहती, अच्छी बनाएंगे। प्रकृति की पूजा अर्थात प्रकृति को जानना है, प्रकृति को समझना है, फिर तो हम उसकी पूजा करेंगे। ये मात्र शब्द नहीं है, और इसे चरितार्थ करने के लिए आचार्य जगत चंद्र साहिब जी की प्रेरणा से हम 6 युवतियों ने हमने पावागढ़, जहाँ से विश्वामित्री नदी का उद्भव होता है, वहाँ से जिस भूमि पर हम बैठे हैं वहाँ से शुरू करके 3 दिन में 130 किलोमीटर की यात्रा तय की। हमने 19 फरवरी 2016 को ये साइकिल यात्रा शुरू की थी। कहते हैं ना कि राजा, संत और जन, अगर तीनों साथ में नहीं जुड़ते हैं तो ये बड़ा सा अभियान है वो परिणाम लक्षी नहीं बनता है। जिस भूमि पे अभी हम बैठे हुए हैं वहाँ साक्षात महाकाली माँ पावागढ़ के पहाड़ पे विराजी हुई है। और हम सबको आज मैं आह्वान करती हूँ, पावागढ़ से यही आह्वान शुरू होगा कि सब साथ मिलके हमको फिर से माँ का आशीर्वाद लेना है। मेरे बच्चे एक विश्वामित्री का बहुत सुंदर गीत गाते हैं जिसमें वो पूरा एक मैसेज जाता है। જળની પુનઃ પવિત્ર કરવું છે, હવે એક જ નિર્ધાર મારો છે, આ જળને પુનઃ પવિત્ર કરવું છે। અશુદ્ધતાને, અશુચિતાને, અસ્વચ્છ જળને, ડહોળા પડને સાથે મળીને નિર્મળ કરીએ, સાથે મળીને નિર્મળ કરીએ। ચાલો ફરી, ચાલો ફરીયા, વિશ્વામિત્રીને પવિત્ર કરીએ, આ વહેતું જળ નિર્મળ સુંદર પ્રાચીન ઇતિહાસનું છે દર્શન, ઋષિઓના તપથી અર્જિત આ દિવ્યતાનું છે દર્પણ। વિશ્વામિત્રી 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 વિશ્વામિત્રી। વિશ્વામિત્રી 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 વિશ્વામિત્રી।